गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर का नेक्स्ट टॉपिक रीड करेंगे, माउस। माउस क्या होता है? माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस क्या होती है? एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है दैट फिट्स कंफर्टेबली अंडर द पाम ऑफ योर हैंड। ये क्या होती है? कंफर्टेबली होती है किसके अंदर? पाम योर हैंड, यानी कि आपकी जो हथेली होती है इसके अंदर हम अपना, इसके अंदर क्या होती है? फिट होती है। यू कैन यूज़ द माउस टू सेलेक्ट और मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। आप क्या है, माउस के जरिए अपनी कोई भी आइटम सेलेक्ट कर सकते हो और मूव कर सकते हो ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर, ठीक है। एज वेल एज टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्यूटर। द टॉप ऑफ माउस हैज़ टू बटन, जिसके जो माउस के ऊपर जो टॉप पर होते हैं वो टू बटन होते हैं, एंड स्क्रॉल व्हील, और एक स्क्रॉल व्हील होता है। जैसे कि आपने एक पिक्चर में इसकी, माउस की जो पिक्चर आपको जो दिखाई दे रही है, इसके जैसे दो टू बटन है और एक स्क्रॉल व्हील है, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ माउस। माउस कितने टाइप्स का होता है? फर्स्ट है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में क्या होता था? एक रबड़ बॉल होती थी इसके नीचे, ठीक है, जिससे क्या ये मूव करता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस होता है एक लेज़र यूज, एक एन ऑप्टिकल माउस होती है यूजेस लेज़र टेक्नोलॉजी। इसमें मतलब लेज़र लाइट्स लगती थी, आती थी, उससे क्या ये माउस मूव करता था। नेक्स्ट है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस जो होता है उसमें क्या है, वायर नहीं होती, विदाउट वायर होता है ये वायर माउस। अ वायरलेस माउस इज अ बैटरी पावर्ड डिवाइस होती है। इसमें मतलब बैटरी पावर्ड होती है, बैटरी से ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एयर माउस। एयर माउस क्या होता है? एन एयर माउस इज अ न्यू टाइप ऑफ मोशन सेंसिंग माउस दैट इन एडिशन टू द टिपिकल बटन होते हैं इसमें, अलाउ यू टू कंट्रोल ऑब्जेक्ट बाय मूविंग द माउस इन प्री डिटरमाइंड डायरेक्शन थ्रू द एयर। मतलब हम एयर के जरिए इसकी डायरेक्शन निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि आपको ये दिखाया है, इस तरह का माउस होता है आपका एयर माउस। नेक्स्ट है हमारा टच माउस। टच माउस क्या होता है? टच माउस इज अ टच सेंसिटिव माउस दैट रिकोगनाइज टच गेस्टर्स। इसमें टच गेस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू प्रेस अ लोकेशन ऑन अ टच माउस। जब आप क्या करते हो, टच माउस की लोकेशन को प्रेस करते हो टू सिम्युलेट अ क्लिक, जस्ट क्लिक किया, स्वीप योर थंब, अपने थंब को स्वीप किया ऑन द माउस टू स्क्रोल पेजेस, और स्लाइड मल्टीपल फिंगर अक्रॉस द माउस टू जूम। और क्या करता था वो, मल्टीपल फिंगर्स को क्या करते थे, क्रॉस करके माउस को क्या करते हैं, जूम किया जाता है। देखो इसके बारे में यहाँ डिफाइन क्या हुआ है आपको, ये देखो गेस्टर्स, जैसे कि टैप, ये देखो आपको जस्ट क्लिक किया, क्विकली टच, आपने जस्ट क्विकली टच किया एंड रिलीज वन फिंगर ऑन वन टाइम। एक बार में एक फिंगर यूज करी तो अब क्या करता था, वो एक्टिवेट करता था लिंक और प्रेसिस अ बटन। इससे क्या है, आपका बटन जो होते थे प्रेस हो जाते थे और लिंक एक्टिवेट हो जाता था। डबल टैप करते थे, अगर उसको डबल टैप करते हो, डबल टैप करते हो, क्विकली टच एंड रिलीज वन फिंगर टू टाइम्स, तब डबल टैप का मीनिंग है कि आपने टच किया और टू टाइम फिंगर्स को क्या किया, प्रेस किया, ठीक है। तो रन सा प्रोग्राम और ऐप, इससे क्या होती थी, प्रोग्राम और रन क्या हो जाती, ऐप जो होती थी तो वो रन होने लग जाता था। देखो अगर हम जस्ट बट एक बार क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट लिंक एक्टिवेट होएगा, और अगर हम डबल बार करेंगे फिंगर को टू टाइम्स करेंगे तो वो क्या हो जाता, प्रोग्राम रन हो जाता था। प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर फिंगर टू कॉज एन एक्शन टू अकर और अंटिल एन एक्शन अकर। इससे क्या होता था, डिस्प्ले या शॉर्टकट मेन्यू आपको दिखाई देने लग जाते थे। ड्रैग और स्लाइड, अगर ड्रैग एंड स्लाइड करना है तो आपने क्या करना था, प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर, आपने क्या करना है, वन फिंगर को प्रेस करना है ऑन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पर, एंड दैट मूव द फिंगर टू न्यू लोकेशन, और अपनी जो फिंगर्स को न्यू लोकेशन पर लेकर जाना है। तो इससे क्या होता था, मूव्स एन आइटम अराउंड द स्क्रीन, जो भी आइटम आपने मूव करनी है वो स्क्रीन पर अराउंड हो जाती, घूम जाती थी। स्वाइप, प्रेस एंड होल्ड वन फिंगर एंड देन मूव द फिंगर हॉरिजेंटली और वर्टिकल ऑन द स्क्रीन। मतलब आपने कोई भी स्क्रीन को, कोई भी चीज को फिंगर और हॉरिजेंटली और वर्टिकल लाना है, तब हम स्वाइप का यूज करते थे। अब आपको क्लियर होगा होगा टच माउस के बारे में। नेक्स्ट है हमारा टच पैड। अ टच पैड इज अ फ्लैट
प्रेशर सेंसिटिव सरफेस, इसमें क्या है, मतलब आप टच की तरफ आप प्रेशर करते हो, दैट इज़ यूज्ड ऑन नोटबुक कंप्यूटर्स, जैसे कि कंप्यूटर नोटबुक पे आप यूज़ करते हो। यू कैन मूव द पॉइंटर ऑन द स्क्रीन बाय मूविंग योर फिंगर अलोंग द सरफेस ऑफ द पैड। ऑन सम टच पैड्स यू कैन ऑल्सो टैप द पैड सर्फेस टू यूज़ माउस ऑपरेशन सच एज ए क्लिकिंग। मतलब जस्ट ऐसे देखो, आपने ऐसे क्लिक करा, ऐसे आपने टच करा, तो वो क्या हो जाती है, क्लिकिंग हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है जोयस्टिक। अ जोयस्टिक इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज टू कंट्रोल द एक्शंस इन अ कंप्यूटर गेम। इसका यूज़ हम कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए यूज़ किया जा करते हैं। इट हैज़ अ वर्टिकल लीवर माउंटेड ऑन अ बेस। यू मूव द लीवर इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कंट्रोल द एक्शन इन अ गेम। मतलब आपकी गेम के जो डिफरेंट डायरेक्शन होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। ग्राफिक टैबलेट, ग्राफिक टैबलेट आल्सो कॉल्ड डिजिटाइजर। ग्राफिक टैबलेट को और क्या कहते हैं, डिजिटाइजर कहते हैं। इज़ एन, ये भी इनपुट डिवाइस है विच हैज़ अ स्पेशल पेन, इसमें होता है टू राइट ऑन जिस पे आप लिख सकते हो। ठीक है, जिसमें इसका यूज़ हम इमेज को ड्रॉ करने के लिए और कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। अ टच स्क्रीन इज अ स्क्रीन दैट यू कैन टच विद योर फिंगर टू इनपुट इन्फॉर्मेशन। टच स्क्रीन भी एक इनपुट इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ किया जाता है। योर फिंगर एक्ट एज अ पॉइंटिंग डिवाइस, जो आपके फिंगर्स होते हैं वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस का काम करते हैं। टैबलेट, पीसी, स्मार्टफोन एंड एटीएम में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मोशन इनपुट। मोशन इनपुट लेट्स द यूज़र गाइड ऑन स्क्रीन एलिमेंट्स यूजिंग एयर गेस्टर। इसमें एयर गेस्टर्स का यूज़ किया जाता है। एयर गेस्टर इन्वॉल्व मूविंग योर बॉडी, इसमें आपकी मूवी को, आपकी जो है बॉडी मूव करती है। और अ हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस थ्रो द एयर विद द मोशन इनपुट। अ डिवाइस कंटेनिंग अ कैमरा, जो इन मोशन इनपुट के साथ जो करते हैं, जो आपको क्या करती है, एक डिवाइस होती है कैमरा, इसमें किया जाता है। डिटेक्ट्स योर गेस्टर, आपके गेस्टर के साथ, एंड देन कन्वर्ट्स इट टू अ डिजिटल सिग्नल दैट इज सेंड टू अ कंप्यूटर और गेम डिवाइस। मतलब हम कंप्यूटर की तरफ एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गेमर्स कैन पुल देयर आर्म और कंट्रोलर बैक टू थ्रो द जैवलिन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो इस तरह से, देखो मतलब इस तरह से उसने एक अपनी क्या बॉडी को मूव किया और ऐसे मूव किया कि आप एक जैवलिन थ्रो कर रही है आगे की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल कैमरा। अ डिजिटल कैमरा आल्सो कॉल्ड डिजी कैम। डिजिटल कैमरा को और क्या बोलते हैं, डिजी कैम बोलते हैं। इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है। यूज टू कैप्चर एंड स्टोर फोटोग्राफ्स इलेक्ट्रॉनिकली इन द कंप्यूटर। ये इसका यूज़ किस लिए करते हैं, हम अपनी फोटो को कैप्चर करके और स्टोर करने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में। नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन इज़ अ इनपुट वॉइस इनपुट डिवाइस, ये एक वॉइस इनपुट डिवाइस है एंड यूज टू सेंड आर वॉइस इन टू कंप्यूटर, अपनी वॉइस को कंप्यूटर में सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ठीक है, इसके लिए मतलब किस किस कब यूज़ करते हैं हम कन्वर्सेशन करने के लिए, चैट रूम पे और स्पोर्ट वाइज चैट्स। ठीक है, नेक्स्ट है स्कैनर। स्कैनर देखो इस तरह से होता है आपका। अ स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस, ये भी इनपुट डिवाइस है। यूज टू सेंड इमेजेस एंड टेक्स्ट डायरेक्टली इन टू अ कंप्यूटर। हम इसका यूज़ किस लिए करते हैं, अपनी इमेजेस को सेंड करने के लिए, अपनी इमेजेस और टेक्स्ट को सेंड करने के लिए कंप्यूटर में डायरेक्ट सेंड करने के लिए। यू कैन स्कैन इमेजेस सच एज ए फोटोग्राफ, आप कोई भी इमेज को स्कैन कर सकते हो, जैसे कि फोटोग्राफ आपने स्कैन करनी है, ड्राइंग्स करनी है एंड लोगोज इन टू अ कंप्यूटर में सेंड करनी है। ठीक है, तो हम स्कैनर के जरिए अपना जो भी लोगो फोटोग्राफ है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है, टू टाइप्स के होते हैं, फ्लैट वेट स्कैनर, हैंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट वेट स्कैनर कौन से होते हैं, दी स्कैनर्स वर्क वेरी सिमिलर टू फोटोकॉपी मशीन, जैसे आपकी फोटो स्टेट करवाते हो ना उसी तरह की होती है ये फ्लैट वेट स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर कहते हैं, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी हेल्ड इन वन हैंड, ये इट इज़ ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट टू बी स्कैंड, इट इज़ मोस्टली यूज इन शॉपिंग स्टोर। इसमें क्या है, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही स्कैन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखते हो ना, जब आप कुछ भी आइटम परचेज करते हो तो वो आपकी जो है ऑब्जेक्ट को कर देते हैं, स्कैन कर देते हैं। ठीक है, और ये मोस्टली जो है शॉपिंग स्टोर्स पर ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। मोस्ट प्रोडक्ट इन द शॉप्स हैव बार कोड्स ऑन देम।
मोस्ट प्रोडक्ट्स जो होते हैं शॉप पर वो क्या होते हैं, बार कोड्स होते हैं। उसमें आ बार कोड इज़ अ सेट ऑफ लाइन्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इस तरह की देखो कहाँ ये रही, आपके पास इस तरह की बार कोड रीडर की जो होती हैं लाइन्स होती हैं, उसके अंदर क्या होती है इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, लाइक इट्स प्राइस, जैसे कि प्राइस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग डेट एटसेट्रा। बार कोड रीडर आल्सो कॉल्ड अ बार कोड स्कैनर, इसे और क्या बोलते हैं, बार कोड स्कैनर बोलते हैं, इज़ यूज टू इनपुट डाटा फ्रॉम बार कोड्स। इसका यूज़ भी हम इनपुट डेटा के यूज़ के लिए करते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रीडर माइक MICR रीडर, MICR रीडर इज एन इनपुट वे दैट यूज रीड एंड आइडेंटिफाई मैनी मैग्नेटिक करेक्टर प्रिंटेड ऑन अकाउंट सच एज अ बैंक चेक। जो बैंक चेक में होते हैं ना ये वाले करेक्टर, इनको रीड करने के लिए, इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें MICR रीडर का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम इतना ही रीड करेंगे, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।